Welcome to Gyan Ganga Vidyalay online class. Today we are going to learn standard 5th English grammar composition. Compositions मतलब जैसे कि comprehension है, कोई paragraph देते हैं और उसके according question देते हैं, उसका answer हम paragraph में से ढूंढ के लिखते हैं, वैसे ही है compositions. So देखते हैं composition में क्या दिया है. The way we talk and write depends upon whom we are talking or writing to. जैसे हम कुछ बोलते हैं, है ना, बोलने का किस पर डिपेंड करता है, किसको बोलते हैं, है ना, किसके साथ हम बात कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं हम और किसको लिख रहे हैं, ओके, ये डिपेंड करता है. We usually use informal English in everyday speaking or if we write messages, thank you notes or invitation to people we know well. मतलब informal English मतलब है जिसको हम जानते हैं, है ना, जो हमें भी जानते हैं, हर रोज़ हम जिसके साथ बात करते हैं और जिसको हम messages लिखते हैं, thank you notes लिखते हैं, invitation कर लिखते हैं, मतलब देते हैं, तो उनको हम जानते हैं. The sentences are often simpler and shorter and we can use words such as hey, hi, great or cool. ये सब हम यूज करते हैं ना, सिंपल या शॉर्ट में हम यूज करते हैं वर्ड्स, जैसे कि hey, hi, ऐसे जिसको हम जानते हैं. We use formal English to write to someone we do not know. और इफ़ इट इज़ एन ऑफिशियल लेटर टू अ प्रिंसिपल, सेक्रेटरी और एन ऑफिशियल. इन सच टेक्स्ट अवॉइड यूजिंग कंट्रक्शंस. मतलब फॉर्मल इंग्लिश क्या है, जिसको हम नहीं जानते हैं, है ना, और जैसे कि ऑफिशियल लेटर हम लिखते हैं प्रिंसिपल को, सेक्रेटरी को, एंड मतलब ये सब क्या होता है, ऑफिशियल होता है, तो उनको हम मतलब ठीक से नहीं जानते, है ना. और नॉर्मली हम जिसको जानते हैं, जैसे फ्रेंड से, है ना, उससे हम कैसे बात करते हैं, हे, हाय, हेलो, कूल, ग्रेट, ऐसे, तो वो है इनफॉर्मल इंग्लिश. और जिसको हम नहीं जानते हैं उनको क्या कहते हैं, उनके साथ जो हम बात करते हैं उसको कहते हैं फॉर्मल इंग्लिश. रीड ईच सेंटेंस बिलो, राइट फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पैसेज में आपका ब्लैंक्स दे दिया है और सेंटेंस भी दे दिया है, आपको लिखना है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है ब्लैंक्स में. तो सेंटेंस क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ हैव अ सीट, प्लीज़ बैठो, तो ये हम इनको नहीं जानते हैं तो फॉर्मल. कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द बैंक, क्या आप बोल सकते हो कि बैंक कहाँ मिलेगा, हाउ टू गेट टू द बैंक, बैंक में क्या मिलेगा, तो ये बैंक कैसे मिलेगा, तो ये क्या है फॉर्मल, है ना, पता पूछ रहा है बैंक के, तो इनको हम नहीं जानते. हे रमित, आई हैव अ कैमरा टू. हे रमित, मैंने कैमरा लिया है ना, मेरे पास कैमरा है, तो मेरे पास भी कैमरा है, तो ये है हम जानते हैं इनको, तो इस तरह से बात करते हैं इनफॉर्मल. फॉर वॉन्ट यू ईट लंच नाउ, मतलब तुमने अभी लंच में क्या खाना खाए हो, क्या खाना चाहते हो, तो वो है इनफॉर्मल. ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंस है इनफॉर्मल, ये हम किसे बोलते हैं, जिसको हम जिनको हम जानते हैं, ठीक है, और फॉर्मल इंग्लिश जिनको हम नहीं जानते हैं. नेक्स्ट वन में क्या है, राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर है, एक इनफॉर्मल लेटर है. वी राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू समवन क्लोज, एकदम नज़दीक का है, सच एज अ फैमिली मेम्बर में से, है ना, कोई भी, या रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, ठीक है. तो पोस्ट कार्ड्स, इन्विटेशंस एंड थैंक यू नोट्स आर इनफॉर्मल लेटर्स टू. हेयर आर सम टिप्स ऑन हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर. तो कैसे लिखते हैं, देखो, यूज़ फ्रेंडली लैंग्वेज, फ्रेंडली लैंग्वेज जिसके ऐसी फ्रेंडली बात करते, तो एज़ यू नो, जिन जो तुम्हें पता है जो पर्सन हुम यू आर,
राइटिंग टू वेल इनफ, मतलब जिन जिसको आप लिखोगे लेटर उसको आप जानते हो, ऐसे फ्रेंडली लैंग्वेज लिखना है, यूज़ करना है। नेक्स्ट यू कैन यूज़ कंट्रक्शन यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ द पर्सन्स फर्स्ट नेम, पहले पर्सन का फर्स्ट नेम लिखना है। इंक्लूड इनफॉर्मल ग्रीटिंग सच एज हाउ आर यू, ऐसे हाउ आर यू कैसे हो, होप यू आर वेल, आशा करते हैं कि आप अच्छे हो, तुम अच्छे हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया है इम्पॉर्टेंट टू यूज करेक्ट लैंग्वेज एंड फॉर्मल व्हेन यू राइट एनी लेटर, कोई भी हम लेटर लिखते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि करेक्ट लैंग्वेज होना चाहिए, है ना, कोई भी फॉर्मेट है ना, जब हम लेटर लिखते हैं करेक्ट होना चाहिए। यूज़ करेक्ट स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मतलब करेक्ट स्पेलिंग भी होना चाहिए और पंक्चुएशन भी सेम मार्क्स मतलब वो होना चाहिए। जैसे वो फेयर इज अ सिंपल ओपन इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर ऐसे लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं एड्रेस लिख देते हैं, देखो 3/12 साई कॉलोनी मगर पत्ता रोड वैशाली नगर, वैशाली नगर पुणे, योर एड्रेस, आपका एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, मतलब यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया, योर एड्रेस तुम मतलब आपका एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है कौन सी डेट में आप लिख रहे हो, फिर डिजर्ट डियरेस्ट सॉरी डियरेस्ट दादा एंड दादी, दादा दादी को लिख रहा है, फ्रेंडली ग्रीटिंग और द फर्स्ट नेम मतलब जिसको आप लिखते हो उनका फर्स्ट नेम, फ्रेंड हो तो डियर ऐसे, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर टू यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लिख रहे हैं बहुत दिन के बाद मैं लेटर लिख रही हूँ। हाउ आर यू बोथ, आप लोग आप दोनों कैसे हो, वी आर ऑल फाइन, हम लोग बहुत ही फाइन है, अच्छे हैं। माय स्कूल एग्जाम्स आर नाउ ओवर, मेरा स्कूल का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ। आई डिड नॉट डू वेरी वेल इन माय साइंस एग्ज़ाम, मुझे मतलब साइंस का जो एग्ज़ाम था साइंस के एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, इतना अच्छा नहीं हुआ। दिस सैटरडे आवर स्कूल इज टेकिंग अस टू द साइंस म्यूजियम हेयर, सैटरडे को, इस सैटरडे को हमारे स्कूल के तरफ से मतलब साइंस के म्यूजियम में लेके जाएंगे। इट इज़ नॉट फार फ्रॉम आवर हाउस, मेरे घर से इतना दूर नहीं है। व्हेन विल यू बोथ कम एंड स्टे विथ अस, आप लोग कब मिलने आओगे हमसे, हम लोगों से, दिस टाइम इस टाइम मतलब दिस टाइम स्टे फॉर लिटिल लॉन्गर, फिर जब आओगे फिर आप बहुत दिन तक रुकोगे। मिनी एंड आई आर वेटिंग, मिनी एंड आई आर वेटिंग टू ईट द हलवा दैट दादी मेक्स, मतलब मैं और मिनी वेट कर रही हूँ दादी के हाथ से बने हुए हलवा खाने के लिए। पापा एंड मम्मी आर वेटिंग फॉर यू टू, पापा और मम्मी भी आपके आप दोनों के वेट कर रहे हैं। दे आर सेइंग दैट वी कुड ऑल गो टू लोनावला फॉर अ फ्यू डेज, मतलब वो लोग बात कर रहे थे कि आप लोग जब आओगे तब हम लोग सब कुछ दिन के लिए लोनावला जाएंगे। इट्स लवली कूल प्लेस, मतलब बहुत ही सुंदर एकदम कूल प्लेस है, ठंडी जगह है। आई एम श्योर यू विल लव इट, श्योर के आपको भी ये पसंद आएगा। होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, मतलब आशा करते कि आप लोग अपना हेल्थ अच्छे रख रहे हो, केयर कर रहे हो। लेट अस नो, लेट अस नो व्हेन यू आर कमिंग, ठीक है। मिनी एंड आई विल ऑल्सो कम टू द स्टेशन टू पिक यू अप, मतलब आप बोल मतलब जब आओगे तब हमें बोल देने मतलब पता बोल देने का कि हम लोग आ रहे हैं ना, जानकारी दे देने का, और मिनी एंड मैं स्टेशन पे लेने आ जाएंगे आप दोनों को, जब भी आप आओगे हमें बोलना है, बोलोगे बोल दीजिएगा और हम दोनों लेने आपको स्टेशन में लेने आ जाएंगे, ठीक है। योर लविंग ग्रैंड डॉटर विमी, ठीक है, तुम्हारे आपके आपके ग्रैंड डॉटर विमी यानी क्लोजिंग एंड योर नेम, ठीक है, आपका नेम लिखना है, हो गया ऐसे। इसको क्या कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, जिनको हम जानते हैं क्लोज है, ओके, फ्रेंड है, रिलेटिव है, ऐसे फैमिली मेम्बर्स है,
ठीक है, जिनको हम मैसेज करते हैं, नोट लिखते हैं, इनविटेशन नोट लिखते हैं, ठीक है, वो होता है इनफॉर्मल लेटर। नेक्स्ट क्या है, इमेजिन योर ग्रैंड पेरेंट्स आर स्टेइंग विथ यू, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग विथ देम, डू यू विजिट प्लेसेस विथ देम, राइट एन इनफॉर्मल लेटर डू योर फ्रेंड टू टेल हर या हिम अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स स्टे, यू मे यूज दिस वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको लेटर लिखना है, जैसे इनफॉर्मल लेटर आपको दे दिया है ना एक एग्जांपल, वैसे इसी तरह आपको एक लेटर लिखना है, इनफॉर्मल लेटर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को। सोचो कि इमेजिन करो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपसे दूर रहते हैं, ठीक है, तो व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग विद देम, उनके साथ आप क्या एंजॉय किए हो, है ना, कहाँ पे घूमने गए थे उनके साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है, आप हार हो या हिम हो, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स दूर है तो इस वजह से आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है। यार आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पे जो वर्ड दिया है वो आपको यूज़ करना है, जैसे कि समर हॉलीडेज, प्ले गेम्स, विजिट प्लेसेस, इंजॉय ग्रैंड मदर्स कुकिंग, स्लीप विथ ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब वर्ड्स आपको यूज़ करके इनफॉर्मल लेटर लिखना है आपके ग्रैंड पेरेंट्स को। जैसे कि देखो, सबसे पहले एड्रेस लिखना है आपको, यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया है, आप आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, आपके हिसाब से लिख सकते हो, आपके खुद का सेंटेंस लिख सकते हो, और मैंने जो आपको टेक्स्ट बुक में लिख के दिया है ये भी आप कॉपी कर सकते हो। पहले आपको आपके बुक में लिखना है, फिर आपको नोट में लिखना है। तो देखो, मैंने पहले एड्रेस दे दिया है, फ्लैट नंबर 3 वे स्काई अपार्टमेंट PK गुआ रोड कोलकाता, ऐसे दे दिया है, और लेटर 12 जून 2017, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है, डियर सिमर, होप यू आर एंजॉइंग योर समर हॉलीडेज, मतलब समर हॉलीडेज इंजॉय कर रहे हो, आर यू, आई एम हैविंग लॉट ऑफ फन विथ माय ग्रैंड पेरेंट्स, दे हैव कम टू विजिट अस, माय सिस्टर एंड आई विल स्पेंड द एंटायर समर हॉलीडेज विद देम, ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा आर जॉइनिंग अस फॉर गेम्स सच एज लूडो, स्नैक्स एंड लेडर्स एंड इवन क्रिकेट, वी हैव ऑलरेडी विजिटेड द नेशनल म्यूजियम एंड बिरला प्लैनेटेरियम, ग्रैंडमा इज कुकिंग आवर फेवरेट डिशेस फॉर अस, यस्टरडे सी बेक्ड अ केक फॉर अस, इट वॉज वेरी टेस्टी, एट नाइट बोथ मी एंड माई सिस्टर आर स्लीपिंग विथ आवर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडपा टेल्स अस स्टोरीज बिफोर वी स्लीप, गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, आई एम ईगर टू नो हाउ यू आर स्पेंडिंग योर हॉलीडेज, राइट टू मी सुन विथ लव, तनिया। यानी यहाँ पे जो लेटर दिया है, ठीक है, तो वो आपके फ्रेंड को बता रहे हो, ठीक है, तो मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपसे दूर रहते हैं और आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्या क्या एंजॉय किए हो, है ना, जब वो आए थे आपके घर में, तो आप मतलब आप क्या एंजॉय किए हो, उनके साथ कहाँ पे घूमने गए थे, विजिट करने गए थे, कौन से प्लेसेस में, ठीक है, ये आप आपके फ्रेंड को बता रहे हो, तो वो फ्रेंड आपके गर्ल हो तो हर, मतलब बॉय हो तो हिम, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपने क्या मतलब इंजॉय किए हो, टाइम क्या टाइम स्पेंडिंग किए हो, ठीक है, तो वो आपको लिखना है, और ये वह सबको चूज़ करके, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे दिया, एड्रेस दे दिया है, डेट दे दिया है, दिया सीमर बोल दिया है, और यहाँ पे दिया है कि आशा करती है कि समर हॉलीडेज आप बहुत ही इंजॉय किए हो, तो मतलब हाउ आर यू, कैसे हो, मैं भी बहुत सारे मज़ा किए हो अपने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी के साथ, हम लोग घूमने गए थे कहाँ पे, मेरे सिस्टर और हम लोग समर हॉलीडेज में उनके साथ घूमने गए थे कहाँ पे, म्यूजियम में, ओके, तो हम लोग खेले भी क्या, लूडो, स्नैक्स एंड लेडर्स, ये सब खेले हैं, और क्रिकेट भी खेले हैं, ऑलरेडी विजिट घूमने गए थे नेशनल म्यूजियम में, बिरला प्लैटिनम में, और ग्रैंडमा कुकिंग किए थे हमारे फेवरेट डिशेस जो है हम लोगों के लिए बनाए थे, फिर कल ग्रैंडमा ने केक बनाए थे, बहुत ही टेस्टी था, है ना, रात को फिर हम दोनों को मेरी बहन को और मुझे सुलाए थे, स्टोरी बोला ग्रैंड पेरेंट्स ने, स्टोरी सुनाए ग्रैंडमा ने, और हम लोग सोए थे, ठीक है।
फिर मैं मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी उनके साथ बहुत ही टाइम स्पेंड किए, एंजॉय किए, ठीक है। तो आई नो कि तुम भी बहुत सारे हॉलीडेज मतलब स्पेंड एंजॉय किए हो। तो योर विथ लव तानिया, इस तरह से आपके हिसाब से भी लिख सकते हो, अपना सेंटेंस आप खुद लिख सकते हो। नेक्स्ट टू में भी एक स्टोरी है, एक स्टोरी लिखना है और दे दिया है कैसे लिखना है। एग्जाम्पल इस तरह से राइटिंग अ स्टोरी, वी ऑल लाइक टू रीड एंड लिसन टू स्टोरीज। मोस्ट स्टोरीज हैव थ्री मेन पार्ट्स, द बिगिनिंग, द मिडिल एंड द एंड। मतलब हम लोग स्टोरी पढ़े हैं, सुने हैं, बहुत सारी स्टोरी सुने हैं। तो मोस्ट स्टोरीज में थ्री मेन पार्ट्स होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज में मेन थ्री पार्ट्स होता है, जैसे शुरुआत में, बिगिनिंग में, बीच में और एंडिंग में। The beginning of the story tells us what or who the story is about. Sometimes they also tell us where and when the stories happen. मतलब beginning में क्या होता है story का, वो story बताते हैं beginning में, शुरुआत में story बताता है कि क्या है, कौन है ना, उसके बारे में कहाँ पे है, कब हुआ है story, घटना, ये सब। और middle में story में क्या बताता है, story tells us what happened, क्या हुआ to the things है ना, और people in the story। द एंडिंग में ऑफ द स्टोरी टेल्स अस हाउ एवरीथिंग हैपेंड और हाउ आ प्रॉब्लम और मिस्ट्री वाज सॉल्व। मतलब एंडिंग में क्या होता है, ये किस्सा से सब कुछ घटना खत्म हुआ और प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ठीक है। रीड दिस सैम्पल ऐसे सैम्पल शॉर्ट स्टोरी, ऐसे जो शॉर्ट स्टोरी देखो, दे दिया है नीचे, ठीक है। तो सैंपल दे दिया है, तो इस तरह से आपको ये सैंपल देख के आपको और एक स्टोरी लिखना है। तो क्या सैंपल दे दिया है, देखो बिगिनिंग में दे दिया है, जैसे बनी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, सी टोल्ड मी अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, इट हैपेंड इन हर हाउस, बनी हैज अ डॉग नेम्ड शेरू, बनी एंड हर ब्रदर बेनू स्लीप इन अ रूम विद देयर दादा एंड दादी, देयर पेरेंट्स स्लीप इन अनदर रूम। मतलब बिगिनिंग में, शुरुआत में, कि बनी मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, वो हमेशा मुझे इंटरेस्टिंग जो भी होता है घटना है वो हमें बताता है ना, बताती है, बोलती है, कहती है। और इन हर हाउस, इट हैपेंड इन हर हाउस, मतलब जो घटना उसके साथ घटी है तो वो उसके घर में ही। बानी हैज डॉग, ने उसका बानी के एक डॉग था, उसका नाम क्या था, शेरू। तो बानी एंड हर ब्रदर, बानी और उसके जो ब्रदर है, भाई है, वेनू स्लीप इन अ रूम, सो रहा था रूम पे अपने दादा दादी के साथ। तो देयर पेरेंट्स स्लीप अनदर रूम, उनके जो पेरेंट्स हैं मम्मी पापा, वो दूसरे रूम में सो रहे थे। तो मिडिल, बीच में स्टोरी में क्या हुआ, वन नाइट, एक दिन, एक रात को, व्हेन एवरीवन वाज स्लीपिंग, सब लोग सो गए थे बानी के घर में, बानी हियर्ड सम स्ट्रेंज नॉइजेस, बानी कुछ ऐसे अचानक से कुछ आवाज आया उसके कानों में, सुना, सी गॉट अप, वो जाग गए, द नॉइजेस वर कमिंग फ्रॉम द किचन से आ रहा था वो आवाज। बानी थॉट, बानी ने सोचा, समवन वाज लुकिंग फॉर समथिंग, कि कोई देख रहा है ना, कुछ तो है, कोई देख रहा है। क्रैश, थर्ड बैंग, ऐसे आवाज आ रहा था। बानी वाज स्कैर्ड, बानी डर गई, इज देयर अ थीफ इन द हाउस, चोर घुस गए उसके घर में, इसी थॉट उसने सोचा कि मेरे घर में चोर घुस गए। बानी वॉक हर ब्रदर अप, बानी उसके भाई को जगाया, बोथ ऑफ देम, दोनों वॉक्ड क्वाइटली इनटू देयर पेरेंट्स रूम एंड वॉक देम अप, दोनों चुपके से शांत से अपने पेरेंट्स के रूम पे गए और उनको जगाए। उनको क्या लगा कि चोर घुस गए। बानिस फादर, एंडिंग में बानिस फादर टुक अ टॉर्च लिया बानिस के पापा, ही शोन द टॉर्च अराउंड द सिटिंग रूम, घुमा के देखा पूरे रूम में। अभी माउस वॉज रनिंग हेयर एंड देयर, एक बड़ा सा माउस दौड़ रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है। मैंने स्विच ऑन द लाइट ऑन ऑफ द रूम, रूम के स्विच चालू किया पेनू ने। एवरीवन लुक्ड अराउंड, सब हर जगह सबने देखा, सभी जगह। द रूम वॉज इन अ मेस एंड शेरू वॉज स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर, रूम एकदम ऐसे मेस है और शेरू कॉर्नर पे खड़े है।
इट वॉज शेरू हु हैड बीन चेसिंग द माउस एंड नॉकिंग थिंग्स ओवर एवरी वन हैड अ गुड लाफ मतलब कि शेरू ने उस माउस को पकड़ने के लिए सब इधर उधर बिखरा दिया घर पूरा और उसके नाखून से इसे सभी जगह खरोच दिया तो उसका जो जो आवाज़ आ रहा था क्रैश क्रैश था तो वो उसके नाखून का वो चीज़ों पे मतलब कर रहा था डॉगी के नाखून के नॉकिंग थिंग्स ओवर मतलब हर जगह वो नॉकिंग कर दिया तो एवरीवन हैड अ गुड लाफ फिर सब लोग एकदम हंसे हंस पड़े ठीक है ऐसे शॉर्ट स्टोरी आपको लिखना है तो क्या कैसे लिखना है देखो इमेजिन दैट वन डे अ बॉय कॉल्ड सनी इज सिटिंग इन अ पार्क ईटिंग पीनट्स एंड रीडिंग अ स्टोरी व्हाट हैपेंस देन राइट योर ओन स्टोरी यूजिंग द गिवन आउटलाइन अभी देखो यहाँ पे वर्ड्स दे दिया है इसको आपको यूज करके लिखना है स्टोरी कि सनी पार्क में बैठा था एक दिन एक बॉय था उसका नाम था सनी तो बैठा था पार्क में और क्या खा रहा था पीनट्स खा रहा था और स्टोरी पढ़ रहा था तो क्या हुआ उसके साथ तब क्या हुआ ठीक है तो आपको खुद लिखना है स्टोरी एक बनानी है तो दे दिया है वर्ड्स जैसे पार्क सनी वेयरिंग अ रेड कैप ईटिंग पीनट्स रीडिंग अ स्टोरी मंकी ऑन अ ट्री कम्स डाउन ग्रैब्स कैप क्लाइम्स बैक सनी शाउट्स मंकी वेव्स कैप गार्डनर कम्स अलोंग लाफिंग गिव्स मंकी द पीनट्स मंकी थ्रो डाउन द कैप एवरी वन लाफ सनी वेयर कैप अगेन ठीक है ये सब वर्ड्स यूज करके आपको स्टोरी लिखना है तो देखो इट वॉज अ संडे संडे का दिन था इन द आफ्टरनून दोपहर को सनी वेंट टू द पार्क इन हिज नेबरहुड मतलब पास में जो पार्क है वहाँ पे सनी बैठा था सनी वॉज वेयरिंग अ रेड कैप सनी पहना था रेड कैप ही वॉज कैरिंग अ बुक करी करके लेके आया ही सैट डाउन अंडर द ट्री के नीचे बैठा था एंड स्टार्टेड रीडिंग अ स्टोरी स्टोरी पढ़ने लगा ही वॉज ईटिंग पीनट्स विच ही हैड बॉट ऑन हिज वे टू द पार्क मतलब पार्क में बैठे बैठे वो पीनट्स खा रहा था अ मंकी वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री अंडर विच सनी वॉज सिटिंग मंकी बैठा था ऊपर जिस ट्री के नीचे सनी बैठा था उसी ट्री के ब्रांचेस पे मंकी बैठे थे तो इट वॉज लुकिंग एट सनी वो देख रहा था सनी की तरह बट सनी डिड नॉट नोटिस इट बट सनी नोटिस नहीं किया स्लोली धीरे से द मंकी केम डाउन एंड ग्रैबिट सनी स्कैप एंड क्लाइम्ड अप क्विकली मतलब सनी नोटिस नहीं किया था मंकी स्लोली धीरे 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 से आया और सनी को ऐसे उसका जो कैप था पहना था वो उठा लिया और ट्री के ऊपर जल्दी चढ़ गया सनी रियलाइज्ड व्हाट हैपेंड एंड शाउटेड एट द मंकी आस्किंग इट टू गिव हिम हिज कैप सनी रियलाइज किया अचानक से और चिल्लाया है ना और बोला कि मेरा कैप बट द मंकी सिंपली वेव्ड द कैप एंड डिड नॉट गिव इट बैक टू हिम मंकी तो उसको नहीं दिया वापस नहीं किया सनी ने बोला मेरा कैप वापस करो तो उसने नहीं दिया मंकी ने उसका एक भी बात नहीं सुना बाय नाउ फिर अ क्राउड हैड गैथर्ड अराउंड सनी फिर सब भीड़ जमा हो गए है ना समबडी कॉल द ग्रैंड गार्डनर हु हैज वर्किंग नियर बाय कोई गार्डनर को बुला रहे जो काम करते हैं ना पास में जो गार्डन में काम करते तो द गार्डनर केम एंड व्हेन ही सॉ व्हाट हैड हैपेंड ही लाफ्ड ही टुक द पीनट्स फ्रॉम सनी एंड गेव देम टू द मंकी थ्रू डाउन द कैप एवरीवन लाफ्ड सनी थैंक्ड द गार्डनर एंड वोर हिज कैप अगेन फिर गार्डनर आया उसने क्या देखा मंकी ऊपर कैप लेके चल गए है ना तो उसने हंसा फिर उसने क्या किया हंस के उसको पीनट्स दिया सनी फ्रॉम सनी एंड गेव देम टू द मंकी फिर सनी को दिया और मंकी को दिया मंकी को देने के लिए बोला फिर मंकी ने क्या किया कैप फेंक दिया और नीचे फेंक दिया कैप है ना पीनट्स लिया और कैप नीचे फेंक दिया फिर सब ने हंसा और सनी ने थैंक यू कहा गार्डनर को और अपना कैप फिर से पहन लिया तो इस तरह से एक स्टोरी आपको लिखना है
ठीक है, मैंने जो लिख दिया है यहाँ पे स्टोरी, तो ये भी आप लिख सकते हो, कॉपी कर सकते हो, और आप अपने हिसाब से भी ये वर्ड्स यूज़ करके सेंटेंस लिख सकते हो स्टोरी। ठीक है, तो आज का ये कॉम्पोजिशन चैप्टर का लेसन मतलब एक्सरसाइज इतना ही है, मतलब 1 और 2। ठीक है, एक स्टोरी था और एक लेटर था। ठीक है, इस चैप्टर का नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी आगे का जो भी लेसन है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। ठीक है, आज का लेसन यहाँ तक ही है। होपफुली ये वीडियो यानी जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करवाई स्टोरी और लेटर समझ में आ गया है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को अच्छे से देखना है, केयरफुली सुनना है, फिर आपको आपके बुक में आंसर लिखना है, फिर नोटबुक में लिखना है। ओके, और इसके बाद का मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने कहा आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। ओके, तो वीडियो हेल्पफुल लगने से क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ओके, थैंक यू।